सम्मेलन रखा है, तो पत्रकार समाज के लिए एक आदर्श है और पत्रकारों के बीच दिवाली मनाने का और इससे खुशी का मौका हमें मिला। जिन पत्रकारों ने यहाँ पर बुलाया उनका सभी का मैं आभारी हूँ। सर एक क्वेश्चन कहना चाहूंगी, जिस तरह से महंगाई को लेकर लोगों के बीच में एक हुंकार और पटाखा भी बंद कर दिया गया यूपी और महाराष्ट्र में बात चल रही है, देखिए ऐसा है कि हमारा त्यौहार सालों साल हम जिस तरह से मनाते हैं उस तरह से मनाएंगे। पटाखे बंद करना ये कोई पर्यावरण के लिए आम मुद्दा नहीं है, पटाखे बजेंगे त्यौहार हमारा होगा। महंगाई है और जिन्होंने बढ़ाई है उनको जनता सबक सिखाए। आयोजन किया गया और यहाँ पर नेता राजनेता सभी लोग यहाँ पे मौजूद रहे, तो क्या संदेश देना चाहते थे और आप दिवाली से पहले इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन किया? खास करके मैं सबसे पहले सभी हमारे मित्रों को सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ और इस प्रोग्राम का हमारा खास उद्देश्य है कि यह एक दिवाली से सम्मेलन के तौर पर प्रोग्राम रखा गया है और साथ में आज बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ किए जाते हैं खास करके मुंबई उपनगर में, लेकिन एक साथ में राजनेता शासन और मीडिया और साथ में हमारी पब्लिक जनता का हमने सोचा कि इस बार हमारे पत्रकार संघ मिशन पत्रकारिता जो पिछले 3 सालों से मुंबई में काम कर रही है, मुंबई के अलावा हम बांग्लादेश श्रीलंका और भी कहीं बाहर राज्यों में संस्था काम कर रही है, तो हम लोगों ने खास करके प्रोग्राम रखा गया है कि समन्वय चर्चा कि किस तरह हमें आगे काम करना चाहिए और मुंबई के विकास के लिए खास टॉपिक रखा गया जिसमें हम कहें यहाँ के लोकल लोगों को काफ़ी सहयोग मिला। तो अगर नेताओं की बात की जाए, गेस्ट की बात की जाए, तो कौन कौन यहाँ पे मौजूद रहे और कौन कौन आ गए हैं और कौन कौन और भी आने वाले हैं? नहीं, यहाँ के स्थानीय विधायक सुनील प्रभु जी का आगमन होके गए थे वाकई गए और कृषि पालन में ठाकुर रमेश सिंह जी भी आ रहे हैं और अभिजीत राणा जी का भी आगमन होने वाला कुछ समय में और विद्याधर चौहान जो आमदार हैं यहाँ के विधायिका हैं वो भी आके गई और यहाँ के लोकल जितने भी नगर सेवक हैं यहाँ पे सभी आके गए और सभी ने शुभकामनाएं दी पत्रकारों के लिए। तो यह कार्यक्रम हम निरंतर हर वर्ष आयोजित करते रहेंगे खास करके। अगर कांदिवली ईस्ट की बात करते हैं जब हम, तो वहाँ पे देखा जाता है हर लोगों के जब मुंह पे एक ही बात होती है सुनने में आता है कि जितेंद्र जी, जब भी कोई दुखी होता है किसी को जब प्रॉब्लम होती है तो जितेंद्र जी के पास पहुँचते हैं और वो सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो इतने सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में कहीं आपको किसी प्रकार की कठिनाई आती है? नहीं, कठिनाई तो बहुत सारी आती है लेकिन मैं हमारे पास सोच है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, हमारे लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, जो काम जिससे कहीं भी नहीं होता भले राजनेता रहे नेता रहे कोई भी रहे लेकिन वो काम करने के लिए हम सक्षम हैं, हम उसके लिए जी जान से वो काम करवाने के लिए प्रयत्न करते हैं और करते रहेंगे। पहले जहाँ पे पत्रकार के साथ साथ नेता और काफी लोग नजदीक मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे इस तरह के आयोजन जब कोई करता है तो? निश्चित तौर पर एक अच्छा उपक्रम हमारे परम मित्र ये कार्यक्रम के आयोजक जितेंद्र शर्मा और उनकी पूरी टीम मुंबई में और पूरे देश में पत्रकारों के ऊपर जो हल्ले हो रहे हैं वो हल्लों को देखते हुए ऐसी परिसंवाद होनी चाहिए और मैं खुद एक पत्रकार होने के नाते यहाँ पर ये कार्यक्रम में कुछ मार्गदर्शन लेने और कुछ देने आया हूँ। निश्चित तौर पर जो उद्देश्य है समाज में समाज प्रबोधन होना चाहिए, पत्रकार समाज का आईना है और उस विषय पर लोगों तक पत्रकारों का जो रोल है वो रोल हमें समाज के हर घटक को दिखाना है और इसके वजह से राजनेता पत्रकार सामाजिक कार्यकर्ता ये सभी लोगों को एक साथ यहाँ पर एक मंच पर लाकर समाज में प्रबोधन करने का काम चल रहा है। और दिवाली का दिवाली आ रही है तो रिक्शा चालक के लिए हमेशा कुछ ना कुछ आप सोचते हैं, तो दिवाली में क्या कुछ आपने सोचा है? पर मेरे और हमारे यूनियन से जुड़े हुए 4.5 लाख वर्कर्स की तरफ से मैं दिवाली की बहुत बहुत शुक्रिया शुभकामनाएं देता हूँ। देख के मौफिक देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ जो भी भाई हमारे इंतजाम में लगे हुए हैं हर पत्रकार की सेवा में, पूरी पब्लिक जो भी आई उनके सेवा में जो भी लगे हैं, बहुत अच्छा इंतजाम भी है और जितने भी लोग नेता लोग आ करके जा रहे हैं, जितने भी लोग गए और आ भी रहे हैं और अभी बैठे हुए हैं, मुझे ये पब्लिक देख करके और इन लोगों का जो भी कुछ आगे का कहना है वो मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है और मैं चाहूँगा कि ऐसे भी लोगों के अंदर हमेशा उमंग आगे बढ़ना चाहिए और हम सब पत्रकार को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आप सब लोग मिल करके एक ऐसा अच्छा काम करें कि कम से कम आज जो रास्ते पे हर चीज हर इंसान तकलीफ है खड्डे है ये है वो है इतना तेजी सब कुछ आ रही है कि कम से कम जिसके कानों में जाए जो लोग इस काम को करने वाले हैं वो लोग
बिना कहे ऑटोमेटिक इस काम को अंजाम देते हैं। मैं यही दे रही हूँ दीपावली का, वो जितने पड़ता है, कोई तकलीफ में होता है, कोई दवा खाना से ले करके कोई मारता है या पीटता गाली देता है, सब चीज़ का वो बहुत सपोर्ट करते हैं, सबको समझदारी का बात करते हैं। कोई अगर रोती गाती उनके पास जाता है, कोई चीज़ काम धंधे का कोई तकलीफ रहता है उसके लिए भी सपोर्टर बनते हैं, उसको सब लाइन देते हैं, बताते हैं। मैं भी जनवरी में मेरा भी तबीयत खराब था, मैं उनके पास गई रोते रोते कि मेरा कोई हेल्प करो, मैं कई डॉक्टर लोग सुनते नहीं है, उसके लिए भी सुनाई किए गए, डॉक्टर से पर भी किए, हमको दवाखाना में एडमिट कराए और बहुत अच्छे से हेल्प किए कि हमको उनसे बहुत सपोर्ट मिला और दिल में बहुत सुकून मिला। मैं भी चाहती हूँ को आगे निकले, आगे बढ़े, हम लोग उनके साथ हैं।